हेलो, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। जो बेसिकली आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, ठीक है, या जो आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद है वो ये है कि जब हम अमेजोन पर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं या वो स्किल हम सीख रहे होते हैं, जैसे लर्निंग कर रहे होते हैं, ठीक है, उस स्किल्स के ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस में हम अमेजोन मतलब फाइबर पे ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज हैं वर्चुअल असिस्टेंट की जो पूरी स्किल के अलावा हम छोटी छोटी सर्विसेज अमेजोन की प्रोवाइड कर सकते हैं फाइवर पर। चलें चलते हैं फाइवर के डैशबोर्ड की तरफ। तो जब हम अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस लर्न कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहला, ठीक है, हमारा टॉपिक होता है वो होता है अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग का, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग, तो फर्स्ट टॉपिक भी हमारा यही होता है, ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग का। तो ये देखें, अगर आप अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज मतलब कहीं से वर्चुअल असिस्टेंट की स्किल कहीं से लर्न कर रहे हैं या आप कर चुके हैं, ठीक है, तो आप इंडिविजुअल भी कोई सर्विस आप अमेजोन पर फाइवर पे प्रोवाइड कर सकते हैं अपने उस स्किल से रिलेटेड। ये देखें, मैंने यहाँ लिखा है अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। तो ये हम प्रोडक्ट हंटिंग की सिर्फ अगर हम स्किल चाहें तो अपनी ये वाली सर्विस हम फाइवर पर सेल कर सकते हैं। देखें, ये सर्विसेज हैं, ठीक है, हमने प्रोडक्ट हंटिंग लिखा तो 9000 प्लस सर्विसेज अवेलेबल हैं। ये देखें, ये बंदा हमें अब ये प्रोडक्ट हंट करके दे रहा है $30 में, ये $20 में, ये $10 में, ठीक है। ये सारे अपनी सर्विसेज प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड जो अपनी सर्विसेज हैं वो अपनी फाइवर पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारा पहला जो टॉपिक होता है वो प्रोडक्ट हंटिंग का ही होता है, ठीक है, आप लोगों ने उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी की हुई है, ठीक है, आप आता भी है, आते भी होगा, ठीक है, अगर आप अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की स्किल सीख रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग का, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरी एक सर्विस है, कीवर्ड रिसर्च या कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च। ये हम इसे ना स्पेसिफाइड कर देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं अमेजोन कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। इसमें बहुत सारे कीवर्ड रिसर्च हमें दे देगा कि ईबे, ड्राज, वॉलमार्ट, ये दूसरे SEO वेबसाइट्स की SEO दे देगा, ठीक है। देखें, ये हमने अमेजोन कीवर्ड रिसर्च देखा, देखें 21,000 प्लस सर्विसेज अमेजोन कीवर्ड रिसर्च पर सिर्फ लोग सेल कर रहे हैं अपनी सर्विसेज, ठीक है। ये देखते हैं, ये देखें, ये कह रहा है कि ये अमेजोन कीवर्ड रिसर्च करके देगा $35 में, ठीक है, अमेजोन टी शर्ट्स डिज़ाइन, मतलब कीवर्ड रिसर्च एंड डिज़ाइन भी करेगा और रिसर्च भी करेगा, ठीक है। ये किल लिस्टिंग लिखेगा, ठीक है, किलर, ठीक है, जर्मन लिस्टिंग, किलर जर्मन अमेजोन लिस्टिंग, ऐसे कीवर्ड, ठीक है, $45 में हमें कीवर्ड भी देगा, ठीक है, ऑप्टिमाइज करके हमारी लिस्टिंग भी हमें राइट करके देगा जर्मन लैंग्वेज में, ठीक है। ये देखें, एडवांस कीवर्ड रिसर्च PPC कंपेन्स के लिए कीवर्ड रिसर्च करेगा हमारे, ठीक है, $45 में। देखें, ये बहुत से लोग हैं जो ये सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं वर्चुअल असिस्टेंट की स्किल, अभी वो अगर सीख चुके हैं तब भी, अगर नहीं सीख चुके तब भी। अब मैं यहाँ से ऑनलाइन सैलर्स भी करके देखूँ कि इस वक्त ऑनलाइन सैलर्स कितने हैं, ठीक है। देखें, 1000 प्लस सर्विसेज आ गई हैं, तो इसमें लोकल सैलर का नहीं दे रहा वो। मैं आपको यहाँ से बेसिकली ना पाकिस्तान के दिखाता हूँ कि पाकिस्तान के कितने VA हैं जो अपनी सर्विस इंडिविजुअल प्रोवाइड कर रहे हैं। देखें, पाकिस्तान लोकेशन में सेलेक्ट करके अप्लाई किया तो 16,000 प्लस सर्विसेज हैं जो पाकिस्तानी VAs प्रोवाइड कर रहे हैं अमेजोन कीवर्ड रिसर्च पर, ठीक है। ये बेसिकली सारे पाकिस्तानी हैं, ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना फाइबर अकाउंट पाकिस्तान की डिटेल्स होता है, जिन्होंने फाइबर अकाउंट में अपनी कंट्री को कंट्री जब वो चूज़ करते हैं तो उसमें ये इतने पाकिस्तान को चूज़ किया हुआ, ठीक है। देखें, बहुत से लोग प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान से भी। उसके अलावा अगर हम करते हैं कंप्यूटर एनालिसिस का, ठीक है, तो अमेजोन प्लस सर्विसेज हैं अमेजोन कंप्यूटर एनालिसिस पे भी, ठीक है। ये देखें, ये कह रहा है आई विल पुट ऑन नेगेटिव रिव्यूज, ठीक है, नेगेटिव रिव्यूज को पुश डाउन करेगा, नहीं ऑप्टिमाइज योर अमेजोन सेटअप, ऑप्टिमाइज योर, देखते हैं कंप्यूटर एनालिसिस का कौन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। बहुत ये जो जितने सर्विसेज हैं इन्होंने ना बेसिकली ये कीवर्ड टैग्स में यूज़ किया हुआ है कंप्यूटर एनालिसिस का, या इन्होंने अपनी लिस्टिंग यूज़ किया हुआ, तो इस वजह से ये इशू हो रही है। देख, यहाँ भी दिखा
दिखाता हूँ आप लोगों को ना कि बहुत से लोग हैं जो ये सर्विसेज भी अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर एनालिसिस मैनेजर अमेज़न ये देखें जैक असिस्ट, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च और कंप्यूटर एनालिसिस कर रहा है, ये भी कीवर्ड रिसर्च कर रहा है और कंप्यूटर एनालिसिस कर रहा है, ठीक है। देखें ये अब सारे कीवर्ड रिसर्च भी कर रहे हैं और कंप्यूटर एनालिसिस भी कर रहे हैं, ठीक है। ये दो सर्विसेज होंगी, ठीक है, तीन होंगी। उसके बाद एक और सर्विसेज है अमेज़न एच टी एम एल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसका भी मैं आपको बताता हूँ कि ये अमेज़न एच टी एम एल, पहले हम इसकी सर्विसेज देखते हैं, फिर देखते हैं कि हमने इस सर्विस में प्रोवाइड करना क्या होता है, अपने जो हमारा बायर होता है, ठीक है, जो हमारा क्लाइंट होता है, हमने उसे क्या प्रोवाइड करना होता है अगर कोई हमें फाइबर पे हम लिंक बनाएं, ठीक है, उसे ऑर्डर करें, ठीक है। ये देखें HTML टैग्स, ये देखें ये कह रहा है मैं आपकी डिस्क्रिप्शन को HTML टैग्स में करूँगा तो $20 चार्ज करूँगा, $30 चार्ज करूँगा, $5 चार्ज करूँगा। बेसिकली जो अमेजोन डिस्क्रिप्शन है ना, ठीक है, वो आप कहते हैं अमेजोन के मुझे HTML टैग्स में दो, ठीक है। अगर आप सिंपल उसे प्रोवाइड करते हैं अमेजोन उसे एक्सेप्ट नहीं करता, अगर एक्सेप्ट करता भी है ना तो वो एक पैराग्राफ की तरह ना शो होती है, अगर उसमें आप किसी चीज़ को बोल्ड करते हैं, कहीं स्पेस देते हैं, कोई भी मतलब किसी भी तरीके की आप उसमें लिस्टिंग को एक अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, अच्छा क्रिएटिव दिखाने के लिए कि वो अट्रैक्टिव दिखे, तो आप उसमें कोई भी बोल्ड कुछ करते हैं उसमें या कोई स्पेस आउट देते हैं उसमें, तो अमेज़न वैसे नहीं शो करता, सिंपल उसे एक पैराग्राफ में शो करता है। तो अब हम चलते हैं अपनी जो सबसे पहले आपको जस्ट सिंपल सा ओवरव्यू दूंगा कीवर्ड रिसर्च का, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग भी आपने डिटेल में की हुई है, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च भी आपको डिटेल में पता है, ठीक है, आप सब लोगों को, और कंप्यूटर एनालिसिस का भी आपको डिटेल में पता है। जस्ट मैं आपको ना थोड़ा सा इसका और भी दूंगा अमेजोन कीवर्ड रिसर्च का, ठीक है, और उसके बाद दूंगा कंप्यूटर एनालिसिस का, फिर हम चलेंगे HTML डिस्क्रिप्शन की तरफ ना, कि आप HTML डिस्क्रिप्शन की कैसे अमेजोन पे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं अपने। ये हीलियम 10 हम वेब डैशबोर्ड पे आते हैं, ठीक है, तो यहाँ हम amazon.com भी ओपन कर लेते हैं वेबसाइट में। सबसे पहले चलते हैं हम कीवर्ड रिसर्च की तरफ, ठीक है। अगर हम अमेजोन कीवर्ड रिसर्च के सर्विस ड्राइवर पर दे रहे हैं अपनी, ठीक है, कि भाई मैं आपको आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड सर्च करूँगा, जब भी आप लोग जिस मार्केट प्लेस में सर्च कर रहे हैं, हंट कर रहे हैं, उसे यहाँ से मार्केट प्लेस चूज़ करें, हम .com में कर रहे हैं, ठीक है, तो हम .com चूज करेंगे, ठीक है। मैं अपना यहाँ ना कीवर्ड लिख देता हूँ, आइसक्रीम स्कूप लिख देता हूँ, उसे गेट कीवर्ड्स कर दिया, वो आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ और जब भी प्रोडक्ट हंटिंग करें तो अपनी यहाँ डिलीवर टू जिस मार्केट में कर रहे हैं उस एरिया का, ठीक है, उस कंट्री का कोई पोस्टल कोड यहाँ दें, ठीक है। मैं USA में कर रहा हूँ तो मैंने USA के ये एक स्टेट का, ठीक है, एक एरिया का पोस्टल कोड यहाँ यूज़ किया है, USA का स्टेट नहीं है, एरिया कोई लिटर लोग, मैं यहाँ कोई सभी कीवर्ड्स लिख देता हूँ, ठीक है, टेबल रनर लिख देता हूँ। मैंने आइसक्रीम स्कूप लिख के गेट कीवर्ड्स किया था, अब यहाँ उसने मुझे वो कीवर्ड शो कर दिया जो है जिन वो सारे जिनमें आइसक्रीम स्कूप है कीवर्ड, ये कीवर्ड आइसक्रीम स्कूप यूज हुआ हुआ, ठीक है। अब मैं इससे यहाँ SATC से यहाँ एडवांस फिल्टर में आके कहता हूँ कि मुझे सिर्फ वही कीवर्ड दिखाओ एग्जैक्ट जिसमें ये ही सिर्फ कीवर्ड यूज हुए हैं, ठीक है, आइसक्रीम स्कूप के ना एग्जैक्ट कीवर्ड्स हो, ये ना हो कि भाई कोई बहुत सारे ना ये हीलियम 10 रेलेवेंट कीवर्ड भी दिखाता है, ठीक है। और जब भी आप कोई सर्विस अपनी फाइबर पर प्रोवाइड करें या आप जब भी कोई डाटा लें अपनी लिस्टिंग करें या किसी क्लाइंट को दे रहे हैं तो इसे सॉर्ट हाई टू लो कर लें, सर्च वॉल्यूम पे लाएं और इसे ना सिंगल क्लिक करें यहाँ, ठीक है, सिंगल। अभी देखिए हमें सर्च वॉल्यूम हाई टू लो शो कर रहा है, ठीक है, पहले यहाँ 18,000 था, अब यहाँ 80,000 है, ठीक है, 5,000, ये हाई टू लो है, मतलब सर्च वॉल्यूम ना पहले हाई लो, ये आप देखें ये सारे कीवर्ड्स आ गए हैं, ठीक है। मैं इन्हें एक्सेल की फाइल में डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से, ये देखें मैंने एक्सेल यहाँ से एक्सपोर्ट एज एक्सेल कर लिया, ठीक है, ये भी मुझसे लोकेशन लेगा कि भैया आपने इसे कहाँ सेव करना है लोकेशन, तो उसके बाद में डाउनलोड कर देगा, ठीक है। तो मैं इसे ना डेस्कटॉप में सेव करता हूँ, क्या कहना,
ये मेरी ना डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो गई होगी, ठीक है, ये भी हो रही है। ठीक है, देखो ये एक्सेल की फाइल आ गई, तो अब मैं इसे ओपन करता हूँ, ठीक है, इसे एडिट करता हूँ कि भाई आपने इसे, बताता हूँ आप लोगों ने इसे अपने क्लाइंट को, अगर आप फाइवर पे जाते हैं, ठीक है, आप की या कीवर्ड रिसर्च और कंप्यूटर एनालिसिस का बता रहा हूँ कि आप कोई गिग बनाते हैं, आपको ऑर्डर आता है, तो आपने क्लाइंट को ऑर्डर डिलीवर कैसे करना है, ठीक है। ये आप यहाँ आए, ठीक है, इस फाइल को डाउनलोड किया मैंने, तो डाउनलोड करने के बाद इसे मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। वो यार इसमें बाय डिफॉल्ट नहीं है, उसने जो फ्रेज वाला है उसमें वो कॉलम इतना बड़ा क्यों किया हुआ है, वो मुझे नहीं समझ आ रही। ये इसने बाय डिफॉल्ट बड़ा किया हुआ है, ठीक है, फ्रेज वाला कॉलम, ठीक है, वो नहीं छोटा सा होता है, आपने सिंपल उसे फ्रेज देने हैं, ठीक है। ये आप लोग, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसमें मुश्किल हो रहा है इसे ना छोटा करना, ठीक है। ये मैग्नेट आई स्कोर है, ठीक है, आपने इसे डिलीट कर देना, सर्च वॉल्यूम आपने देना है, ठीक है, उसे सर्च वॉल्यूम ट्रेंड वाला कॉलम भी आपने डिलीट कर देना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप स्पॉन्सर्ड एसेंस वाला भी कॉलम आप डिलीट कर दें, ठीक है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स भी आप डिलीट कर दें, CPR 8 days गिवअवेज भी आप डिलीट कर दें, टाइटल डेंसिटी वाला भी डिलीट कर दें, ये ऑर्गेनिक वाला भी डिलीट कर दें, ठीक है, और नहीं ऑर्गेनिक वाला बल्कि आप लोग रहने दें, ठीक है, ये आपको ऑर्गेनिक रैंक शो करवा रहा है, अगर देना है तो दे दें, ठीक है, डिलीट करना है तो डिलीट कर दें, ठीक है, डिलीट कर दें। तो आपने बेसिकली जो उसे देना है ना, आपने ये वाले उसे ना तीन, ये वाले तीन कॉलम्स का डाटा शेयर करना है, ये जस्ट मैं इसे यहाँ शॉर्ट कर रहा हूँ इसे, ठीक है, वहाँ से यहाँ नहीं ला रहा डायरेक्ट से, ये सिंपल फ्रेज देने हैं आपने, ठीक है, ये जो इसने, ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स, अब आपने इन कीवर्ड्स को भी चेक कर लेना है, ठीक है। ये मैंने गौर नहीं किया, नोट नहीं किया कितने कीवर्ड्स थे, मैं यहाँ से भी देख लेता हूँ कि कीवर्ड्स कितने हैं, देखे ये 1000+ कीवर्ड्स हैं, ठीक है, तो आप यहाँ मजीद फिल्टर भी लगा कर इन्हें कीवर्ड्स को भी कम कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक्सेल की शीट नहीं, अब डाउनलोड करूंगा क्योंकि मैं पहले ही डाउनलोड कर चुका हूँ, मैं कहता हूँ मुझे ना सिंपल ऐसे कीवर्ड दिखा जिनका ना सर्च वॉल्यूम 2000 से अबव हो, मैं सिर्फ वो कीवर्ड चाहिए जिनका सर्च वॉल्यूम 2000 से अबव, देखते हैं कितने कीवर्ड हैं। इससे एडवांस फिल्टर को मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, इसे 4 कीवर्ड्स दिए हैं, मतलब ये सर्च वॉल्यूम मैंने कुछ ज़्यादा ही हाई कर दिया, ठीक है, इतने भी नहीं कम चाहिए मुझे, कीवर्ड चाहिए 40 to 50 कीवर्ड्स हैं वो इनफ हैं, अब ये 4 भी नहीं, मैं अपने एक ऐसे के अगेंस्ट चाहिए कीवर्ड के अगेंस्ट, चलो मुझे अच्छे कीवर्ड दिखा जिनका ना सर्च वॉल्यूम 1000 से अबव हो, मिनिमम 1000 हो या उससे अबव हो। अब इसने 15 कर दिए, ठीक है, आप यहाँ देख के ना, ठीक है, जैसे आपको कीवर्ड्स देख रहे हैं कि ज़्यादा आ रहे हैं आपके हाई सर्च वॉल्यूम ज़्यादा करते हैं, जब कीवर्ड्स कम आ रहे हैं आप सर्च वॉल्यूम को लो करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ 1500 कर देता हूँ, 1500 इसे के मैंने किया, आप देखिए 500 पे मुझे 36 कीवर्ड्स दे रहा है, ठीक है, अगर आप चाहें तो 30 कीवर्ड्स अगर सारे रेलिवेंट है ये भी दे सकते हैं, अगर आप चाहते हैं नहीं आप ज़्यादा देना चाहते हैं 50+ तो सर्च वॉल्यूम आप मज़ीद कम कर दें, तो भाई उसका सर्च वॉल्यूम मिनिमम 250 हो, देखें 250 पे 95 कीवर्ड दे रहा है, ठीक है, आप जब ये एक्सेल की फाइल डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, इसमें से आप इसे चेक कीजिएगा, ठीक है, कोई बहुत से रेलिवेंट हो कीवर्ड्स होंगे जो इसमें रेलिवेंट है, मैं आपको दिखाता भी हूँ कोई कीवर्ड, ये देखें ये कीवर्ड जर्मन लैंग्वेज में है, ठीक है, मेलिसा एंड डॉग आइसक्रीम स्कूप, ठीक है, पर जर्मन लैंग्वेज में है, किसी ब्रांड का नेम है, ठीक है, ये जो अमेजोन पर रजिस्टर्ड है, देखें कि बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो इररेलीवेंट है, ठीक है, उन्हें आप यहाँ से डिलीट कर लें, ठीक है, कीवर्ड्स को उड़ा दें उन कीवर्ड्स को यहाँ से, और बाकी जो बाकी ही हैं वो अपने क्लाइंट को डिलीवर कर दें, ठीक है। उसके अलावा आप अगर कंपिटिटिव एनालिसिस की गिग बनाते हैं, ठीक है, फाइवर पे आपको वहाँ से कोई ऑर्डर आता है तो उसके लिए आप अपना जो क्लाइंट है उसे रिक्वेस्ट करें, ठीक है, उसे कहें कि भाई मुझे, मैं एनालिसिस का तो करके दूंगा, आप मुझे अपने जिन कंपिटिटर्स का है, ठीक है, वो उनके URL दो या मुझे उनके एसिन दो, ठीक है, अगर वो आपको URL देता है, ठीक है, आप अमेजोन पे जाएं लिखें वो URL, उसके बाद आप उसे उस उधर से एसिन लें उस लिस्टिंग का, ठीक है, उसे सेरिब्रो में आए, हीलियम 10 के डैशबोर्ड पे आए, या सेरिब्रो इसका सब टूल है, ठीक है, सेरिब्रो में आके वो एसिन पुट करें, ठीक है, और यहाँ से गेट कीवर्ड्स कर दें,
ये चैन बहुत ये वर्क कर ले, तंग ना करे मुझे। नहीं, आप लोगों को पहले भी अच्छे तरीके से ना वीडियो में गाइडलाइन दी हुई है, ठीक है। जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि आप जब अपने लर्निंग स्टेज में हैं, ठीक है, ये तंग कर रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। हालांकि मेरा पेड प्लान है, लेकिन फ्री वाला शो कर रहा है सेम अकाउंट चेंज करके एक बार देख लूं। यहाँ भी कह रहा है अपडेट, ठीक है। आप सैरी प्रो में आएंगे, ठीक है, अपना यहाँ पैसे इनपुट कीजिएगा, ठीक है, उसे एंटर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वो आपको ना इसलिए इस जो एसिन के अगेंस्ट जो लिस्टिंग हुई है ना, इसमें जो जो कीवर्ड्स यूज हुए हैं ना, वो आपको कीवर्ड्स दिखाएगा, ठीक है। वही आपने उन कीवर्ड्स को सर्च वॉल्यूम के अगेंस्ट में एक बार सॉर्ट कर लेना है, यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है एक्सेल की शीट में, ठीक है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन देगा, ठीक है। वैसे ही जाकर आपने उसे यहाँ से एडिट कर लेना है। सिंपल आपने कीवर्ड्स देने हैं और उनका सर्च वॉल्यूम देना है और ऑर्गेनिक रैंक देना हो तो दे दीजिएगा, वरना नहीं, ठीक है। तो आप ऐसे ही एक्सेल की शीट बनाएं, ठीक है, और क्लाइंट को डिलीवर करें। उसके बाद हम चलते हैं कि HTML डिस्क्रिप्शन, HTML टैग्स के साथ हम डिस्क्रिप्शन कैसे राइट करते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको HTML जो एक लैंग्वेज है, ठीक है, उसका आना जरूरी नहीं है। सिंपल आप सेलर गूगल पे जाएं, सेलर ऐप लिखें, ठीक है। सेलर ऐप में जाएंगे आप, यहाँ इसके फ्री टूल्स पे क्लिक करें। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, फ्री टूल्स अमेज़न ऐप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एडिटर, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एडिटर में जाएं आप, यहाँ से फ्री टूल्स में से, ठीक है, क्रिएट HTML डिस्क्रिप्शन। आपको इस वेबसाइट पे जाके लॉगिन करने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अपनी डिस्क्रिप्शन जो लिखी है ना आपने, ठीक है, वो आप वर्ड की फाइल में प्रिपेयर की है या नोट पैड में प्रिपेयर किया, आप उसे यहाँ पेस्ट कर दें, ठीक है। देखें, मैं लिखता हूँ, हे आई एम जमील, ठीक है। ये देखें, यहाँ लॉग इन करने की जरूरत कोई नहीं है आपको, ठीक है। ये देखें, ए आई एम अहमद जमील, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ। ये अब मुझे यहाँ बेसिकली HTML टैग्स के साथ शो करवा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसे बोल्ड करता हूँ कि भाई मुझे बोल्ड चाहिए, देखें ये बोल्ड हो गई है, ठीक है, ये लेकिन HTML टैग्स के साथ में शो करवा रहा है। अगर सिंपल मैं इसे जाके यूँ ही अपनी उस पर अमेजोन की डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी, देखिए मैंने इसे यहाँ से आगे से लाइन ब्रेक करके अगली लाइन पे मूव कर दिया, ठीक है, दोबारा वहाँ लिखा, तो अमेजोन पे मुझे ऐसे नहीं शो होगी कि लाइन ब्रेक हुई है। नहीं, अमेजोन ये भी मुझे जो एक पार्ट है ना लाइन का, ठीक है, ये भी मुझे इसके आगे लिखा हुआ शो करवा देगा, ठीक है। तो इस वजह से अमेजोन का HTML टैग्स वाली डिस्क्रिप्शन अमेजोन एक्सेप्ट करता है। अगर ये कर भी लेता है, ठीक है, तो उसमें हमें सेम एज इट इज जैसे हमने यहाँ लिखा वैसे ही दिखाएगा, बोल्ड नहीं दिखाएगा, लाइन ब्रेक की हमने कहीं वो लाइन नहीं हमें दिखाएगा, कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो आप यहाँ आए, ठीक है, देखें, सिंपल फ्री टूल है। अगर आपको फाइवर से इसका ऑर्डर आता है, आप डिस्क्रिप्शन अगर वो राइट की भी वो देता है, ठीक है, आपका क्लाइंट आपको, तो ठीक है। अगर नहीं देता, आप खुद भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी राइटिंग होती है, क्रिएटिव राइटिंग नहीं होती इसमें, या कंटेंट राइटिंग नहीं होती अमेजोन पे। अमेजोन पे कॉपी राइटिंग चलती है, ठीक है, जो ऑलरेडी किसी ने लिस्ट की है उसकी सेम एज इट इज भी कॉपी नहीं करनी, थोड़ी सी कॉपी करनी है, ठीक है। वो जब लिस्टिंग वाला टॉपिक आएगा उसमें आपको डिटेल्स में समझा दूंगा, ठीक है। तो ये आप आए, ठीक है, यहाँ डिस्क्रिप्शन उसने दिया है वो पेस्ट करें। तो यहाँ से HTML टैग्स वाली डिस्क्रिप्शन कॉपी HTML कोड करके नोट पैड की फाइल में देनी है, नोट पैड में दे ये देखें,
ये $5 में दे रहा है, $20 में दे रहा है, बहुत इजी सर्विसेज है। ठीक है, 2 से 3 मिनट का काम है। ये HTML टैग्स डिस्क्रिप्शन में करना है, डिस्क्रिप्शन को HTML टैग्स में कन्वर्ट करना है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस भी नहीं है। ठीक है, ऑर्डर आए, ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा ऑर्डर हैं तब आपके पास टाइम टेकिंग है, वरना आप ऑर्डर जिस टाइम आया, ठीक है, आप विद इन 30 मिनट्स भी अपने ऑर्डर को डिलीवर कर सकते हैं। अगर कॉपी राइटिंग करनी है फिर आपको राइट करने में डिस्क्रिप्शन थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आपको वो डायरेक्ट देता है लिखी हुई तो आप उसे विद इन 30 मिनट्स में आप अपना ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, फ्री टूल है ये। ठीक है, कोई पेड टूल नहीं है, आप इसे लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं है। आप इधर आएँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन को कन्वर्ट करें, कॉपी HTML करें, वेबसाइट को ऑफ करें, ठीक है, उसे जाके अपनी वर्ड की फाइल में पेस्ट करें, नोट पैड में पेस्ट करें, जिस भी तरीके से आप डिलीवर करना चाहते हैं ऑर्डर करें। ठीक है, अब पेस्ट करें, वो फाइल बनाकर अपने क्लाइंट को डिलीवर